अच्छा क्या कि अपने दोस्त को ना वहीं से भिजवा दिया। मुझे इतनी सारी बातें करनी थी आपसे भाई। अरे तो उसके सामने भी कर सकती थी ना। नहीं भाई मुझे नहीं अच्छा लगता किसी के सामने आपसे बात करना। वैसे आप मुझे एक बात बताएं, गिफ्ट कहाँ है मेरा? मैडम ये जो फ्लावर्स लेकर आया हूँ ये गिफ्ट ही है आपका। ये हाँ फ्लावर्स नहीं चाहिए मुझे, ये कल तक मुरझा जाएंगे। अरे वाह, एक बात है वैसे, कभी कभी बड़ी लॉजिकल बात करती हो। ये फूल तो कल तक मुरझा जाएंगे, तो फिर एक काम करते हैं ना, मुझ पर तुम्हारा गिफ्ट ड्यू हो गया। पक्का? पक्का। अच्छा सुनो, तो मुझे जाना होगा, पता है डैड को भी पिक करना है। आप अभी जा रहे हैं? जी नहीं, ऐसा कुछ नहीं होने वाला, आप अभी बैठ के मुझसे बहुत सारी बातें करेंगे। अरे बातें करते रहेंगे ना, करते तो हैं बातें, लेकिन डैड को पिक करना है ना, वो नाराज होंगे, अच्छा नहीं लगेगा। ठीक है जाएं, आपको मेरा बिल्कुल भी ख्याल नहीं है, इससे ये बात जाहिर होती है कि मैं आपके लिए बिल्कुल भी अहम नहीं हूँ। ये तो शानी की कजन है, ये यहाँ क्या कर रही है? अच्छा मेरी तरफ देखो। अरे देखिए मेरी तरफ। जी अगर तुम मेरे लिए अहम ना होती तो आज मैं यहां ना होती। अच्छा अच्छा बस करें। अच्छा ये देखिए आज की वीडियोस। हाँ हाँ बोलो। कहाँ मर गई हो, तुम्हें पता है यहाँ पे सब कितना गुस्सा कर रहे हैं? हद होती है खुदगर्जी की भी यार, तुम्हें किसी का भी ख्याल नहीं है। अरे मेरी जान है, नहीं आई एम रियली सॉरी। पता क्या हुआ, अफनान इतनी देर से आया, मैं बस उससे मिल रही थी इसलिए देर हो गई, बस आती हूँ ना थोड़ी देर में। भाड़ में डालो अफनान को, तुम जल्दी घर पहुँचो। अच्छा ना आ रही हो, 10 मिनट तो वेट कर लो, जल्दी आओ। ओके बाय। ओके बाय हानिया, बस मैं जल्दी से ना बैग उठा के चेंज करके आ रही हूँ, तुम इधर ही वेट करो, मैं आ रही हूँ 2 मिनट में, वेट करो जल्दी आ जाओ। रेडी इतना लेट हो गया है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कहाँ थे तुम अब तक? हाँ तुम्हें कुछ एहसास भी है? और फोन कहाँ है तुम्हारा? मैंने तुम्हें हजारों फोन किए, तुम फोन नहीं उठा रही हो। अरे तुम्हें हमारी परेशानी का कोई एहसास है कि नहीं है? और अपने बाप का तो बिल्कुल ख्याल नहीं है कि वो कितना परेशान हो रहे होंगे तुम्हारी वजह से। क्या हो गया अम्मी, बता के तो गई थी आपको और अब्बू को कि हॉस्पिटल जा रही हूँ, कोई घूमने फिरने थोड़ी गई थी, इतना डांट रही हैं आप। अच्छा डांटू नहीं तो और क्या करूं, हाँ? एक तो गलती की है, ऊपर से शोर भी कर रही हो। अरे मुझे तो लगता है कि मैंने तुम्हें हॉस्पिटल जाने की जो परमिशन दी है देनी नहीं चाहिए थी। अब्बू जी ये देखिए अम्मी को समझाएं जरा, कब से डांटे जा रही है मुझे, हॉस्पिटल में फोन साइलेंट पे रखना मेरी मजबूरी थी, मैं किसी की हेल्प करने के लिए गई थी, अधूरा काम छोड़ के तो नहीं आ सकती थी ना। फिर भी तुम्हें इत्तला तो करनी चाहिए थी ना बेटा, मैं और तुम्हारी अम्मा इतनी परेशान थे यहाँ पे, शानी पता नहीं कहाँ कहाँ ढूंढ कर आ गया तुम्हें। अब ये शानी मुझे ढूंढने के लिए क्यों निकला, मैं कोई घर से भाग गई थी क्या? घूमने फिरने तो नहीं गई थी, हॉस्पिटल गई थी ना। चुप कर जाओ खुदा के वास्ते, और खबरदार जो आइंदा ऐसी बदतमीजी वाली बात की तुमने तो। अरे मैंने कहा था उस बेचारे को कि जाके तुम्हें ढूंढे, वो एनी को लेकर गया था सवेरा के घर तुम्हें ढूंढने के लिए, मगर एनी तो सवेरा का घर ही भूल गई, बेचारे को हमारी वजह से इतनी परेशानी उठाना पड़ी है। क्या क्या कहा तुमने, बोलो। कुछ नहीं, कुछ कहा नहीं, मैं बस कह रही थी आई एम सो सॉरी, आज के बाद ऐसा कुछ भी नहीं करूंगी, पक्का वाला प्रॉमिस, आइंदा ऐसा कुछ भी नहीं होगा। अब्बू जी आपसे भी माफी मांग रही हूँ, प्लीज मुझे माफ कर दें आप दोनों, पक्का प्रॉमिस आइंदा ऐसा कुछ भी नहीं करूंगी। आइंदा शिकायत को मौका नहीं देता हूँ, पक्का। थैंक यू सो मच। चल
वैसे यार तू ठीक कह रहा था, मजा बहुत आया वहां। मैं देख रहा था तुम भी अपनी दोस्त के साथ काफी एंजॉय कर रहे थे। अरे शुक्र है यार तूने उसे मेरी दोस्त कहा है, गर्लफ्रेंड नहीं। हाँ मैंने तो नहीं कहा, लेकिन वो तो खुद को तुम्हारी गर्लफ्रेंड ही समझ रही थी। यार इसमें उसका कसूर नहीं है, बहुत इमेच्योर लड़की है। अब वो अपने आप को गर्लफ्रेंड समझ रही है दोस्त, मेरे पास इतना वक्त नहीं है कि मैं उसे समझाऊं। यार भाई मेरे पास तो है ना। यार तू तो टार्जन आदमी है भाई, हर लड़की के लिए तेरे पास टाइम। ये किसके बारे में हंस-हंस की बातें कर रहे हो तुम दोनों? ये बड़ों की बातें हैं, बच्चों का इसमें बीच में बोलना नहीं बनता, आप जाइए। हाँ तुम दोनों तो बहुत बड़े हो गए हो, लगता है मामू जान को तुम्हारी शिकायत करनी पड़ेगी। हाँ बिल्कुल ठीक है, एक्चुअली डैड को मैंने सब कुछ बताया हुआ है, इसलिए तो सजा के तौर पे डैड मेरी शादी एक छुड़ैल से करवा रहा हूँ। मैं जा रही हूँ, सुबह मुझे ऑफिस जाना, गुड नाइट। अरे क्या हो गया, बात तो सुनो। सुनो तो क्या हो गया यार, ये माइंड करने वाली। भाई मैं आया जरा, दो मिनट में। नहीं नहीं दो मिनट नहीं लगेंगे, मुझे पता है घंटा लगेगा। मैं चलता हूँ, आप जाए। अच्छा चल कल मिलते हैं। ओके ओके बाय। हाँ बता, फौरन क्यों बुलाया, सब ठीक तो है ना? सब ठीक नहीं है, वो तेरी कजन है ना, तेरे ताया की बेटी रमशा। हाँ हाँ वही, उसे मैंने अपने रेस्टोरेंट में देखा था, कोई पार्टी सेलिब्रेट कर रही थी, शायद किसी बर्थडे पार्टी थी, उसकी सहेलियां भी थी और बाद में तो दो लड़के भी आए थे। यार मुझे कोई गलत फहमी हुई है, वो नहीं हो सकती। और बात सुन, आइंदा मेरी कजन के बारे में इस तरह की बात मत करना, समझ आई तुम्हें? मैं तुझसे सच कह रहा हूँ यार, वो तेरी कजन ही थी, उसे अच्छी तरीके से पहचानता हूँ। ओहो सलमा भाई, कितनी बार कहा है अब चाय में चीनी जरा कम डाला कर। अच्छा सॉरी मैं भूल गई। और तुम भी चीनी कम पियो। रमशा, रमशा, अमीर रमशा का है। पता नहीं बेटा क्या हुआ है। क्या हुआ भाई, क्या हुआ, बात तो सुनो, क्या हुआ, क्या हुआ? पता नहीं। आओ चलो नीचे, आओ जाओ चलो तुम। ये सुन के ना मुझे इतनी खुशी हो रही है, नहीं कि तुम्हारी सोच है, तुमने बहुत अच्छा किया कि शानी को कल फॉर करवाया, वो इसी काबिल है। और वैसे भी मेरे साथ रह रहे के ना तुम काफी स्मार्ट हो गए, बहुत अच्छा किया तुमने, गुड गर्ल। शुक्र करो तुम्हें बचा लिया, मेरे भाई का मजाक उड़ाने की जगह मेरा एहसान मानो। हाँ 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 भाई तुम्हारे तो इतने एहसान हो गए ना मुझ पे कि तुम्हारे एहसानों के तले दबी जा रही हूँ मैं, दबी जा रही हूँ। मैं सोचूं कि क्यों ना कोई आइसक्रीम खिला के तुम्हारे सारे एहसान चुका दूं। आइसक्रीम और तुम? हाँ तो इसमें क्या? रमशा, रमशा! इसमें क्या हो गया? तुम कल कहाँ गई थी? मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूँ कि तुम कल कहाँ गई थी? आराम से बात करो। मैं आहिस्ता बात नहीं करूंगा, मुझे बताओ कि तुम कल कहाँ थी, बताओ। आहिस्ता बोलो, मैं वैसे भी मैं कल अपनी दोस्त के घर गई थी और अम्मी को बता के गई थी। आओ आके पूछ लो यार। कुछ मत बोलो। जी जी अशफाक साहब, ये ईमेल बस मैं आपको फॉरवर्ड कर। ओके ओके बस बस, दो मिनट। ओके बाय। कफदान भूख लग रही है मुझे, एक घंटे का लंच ब्रेक मिलता है उसमें से भी 15 मिनट तुमने जाया कर दिए। नई लंच पे जाना तो बता देते, मैं खुद चली जाती। अरे तुम्हारी वजह से खड़े होके काम कर रहा हूँ मैं यार, अब इससे ज्यादा क्या करूँ, बस 2 मिनट दे दो, चलते है ना फिर। स्थान तो आ जाए। सर इन पर आपके साइन चाहिए थे। ये 10 लाख। सर ये कासिम सर ने किसी मदरसे के लिए इशू करवाया था, वहां एसी लगवाने थे। ठीक है जाइए। सुनिए जी, डैड अपने ऑफिस में है क्या? जी अपने रूम में ही है। ठीक है आ जाए। एक तो मामू जान को भी ना लोग सही बेवकूफ बना रहे हैं, कभी किसी नाम से कभी किसी नाम पर, सादगी का फायदा उठाते हैं उनकी। खैर
तुम चल रहे हो या नहीं? बस एक मिनट, ये ईमेल फॉरवर्ड कर दूंगा। मैं जा रही हूँ, तुम्हें आना है तो आ जाओ। तुम गाड़ी में वेट करो, मैं आ रहा हूँ। अम्मी ये देखिए शानी को, ये देखिए मुझ पे झूठा इल्जाम लगा रहे। कल मैंने बताया था ना आपको कि मैं दोस्त के घर गई थी, बताया था। बोल रही है ये कल रेस्टोरेंट में थी और वहां ये इसकी सिर्फ दोस्त से नहीं थी, वहां दो लड़के भी थे इसके साथ। पूछे से शानी तुम क्या कह रहे हो? बड़ी मैं झूठ नहीं बोल रहा, मेरा दोस्त वहां पे काम करता है, उसने मुझे बताया, उसने सब देखा है। क्या कह रहा शानी? अम्मी ये झूठ बोल रहा है। मैंने आपको बताया था ना कि सवेरा की अम्मी बीमार है, उनको लेके हॉस्पिटल जाना है, तो फिर मैं रेस्टोरेंट क्यों जाऊंगी? और वैसे भी इसके दोस्त ने किसी और को देख लिया होगा और ये बिला वजह मुझ पे इल्जाम लगा रहा है। नमशा, सच बताओ क्या बात है? अबू जी मैं बिल्कुल सच बता, कुछ भी कहने से पहले ये अच्छी तरह सोच लेना कि अगर ये झूठ हुआ तो तुम्हारे लिए अजियत और मेरे लिए शर्मिंदगी का बाइस होगा। बताओ। अब्बू जी वो मैं बिल्कुल सच कह रही हूँ, मैं अपनी दोस्त के साथ थी, उसके घर पे थी, बिल्कुल सच बोल रही हूँ, झूठ नहीं। मानी चाहिए, झूठ पे झूठ बोली जा रही हो सबके सामने। अरे शर्म तो तुमको आनी चाहिए, तुम्हें अपनी दोस्त की बात पे यकीन है और मेरी बात पे नहीं? तुम्हारे लिए ना ये डूब मरने का मकाम है, दोस्त की बातों में आके तुमने मुझ पे इल्जाम लगा दिया। अरे तुम्हारी बहन नहीं हो तो क्या हो गया, कजन तो हूं ना, और कजन भी बहनों जैसी होती है। और आप लोगों को यकीन नहीं है ना मुझ पे? अम्मी आप अभी के अभी मेरे साथ सवेरा के घर चलें और चल के उससे खुद पूछ लें, जब वो आपको सच बताएगी ना तो फिर आप लोगों को पता चलेगा। अच्छा जरा सबको पता चले ना कि मेरी घर में क्या इज्जत और औकात है। चलें आप अभी चलें मेरे साथ। कहीं जाने की जरूरत नहीं है, इस घर में तमाशा लग गया ना यही काफी है, कहीं और जाके तमाशा लगाने की क्या जरूरत है? शानी तुम भी तो हद कर रहे हो, ये भी तो हो सकता है तुम्हारे दोस्त ने किसी और लड़की को देखा हो और उसे लगा हो कि रमचा मेरा दोस्त। बस शानी बस, मैं इस घर में मजीद कोई तमाशा नहीं देखना चाहता। ये अगर तुमने खुद देखा होता तो कोई और बात थी, किसी और ने देखा, किसी दोस्त ने देखा और तुमने अपने ही घर में उंगली उठाई। चलो जाओ अपने कमरे में जाओ, जाओ। मैं ना शानी को अच्छी तरह समझा देना कि मेरे घर के मामले में अपने दोस्तों को दखल अंदाजी ना करने दे, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। क्या ऐसे क्या देख रही है? मैंने थोड़ी कोई कुछ गलत किया है। चलो एनी, पता नहीं क्या देख रही, आओ एनी। बिस्मिल्लाह, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे तारिक भाई जी? क्या पेमेंट नहीं मिले आपको? अच्छा मैं पता करता हूँ। जी जी मैं देख लेता हूँ। जज़ाकुमुल्लाह बिलखैर जी। अफ़नान, वो मैंने मैनेजर साहब को एक चेक दिया था कि वो तुम्हें दें, भूल गए शायद वो। नहीं डैड, मैनेजर साहब ने मुझे चेक ला कर दिया था लेकिन मैंने खुद साइन नहीं किया। क्यों, क्या वजह, साइन क्यों नहीं किया? डैड मैं उससे पहले आपसे बात करना चाहता था, लेकिन मस्जिद के लिए पहले ही आप बहुत कुछ कर चुके हैं। उनके बैठने का सामान, कूलर, बाकी जो जरूरत की चीजें हैं सब मुहैया की,
लेकिन ये हर कमरे में एसी लगवा के देने का वादा चल रहा था कुछ ज्यादा है। बेटा गर्मी बहुत होती है, छोटे बच्चे हैं, अगर उनको ये सहूलत मिल जाएगी तो अपनी तालीम पर ज्यादा अच्छे से तवज्जो दे सकेंगे। देखिए डैड, जिसने तालीम हासिल करनी है उसने तो करनी है, और वैसे भी ये जो मदरसों में पढ़ते हैं, मैंने शायद एसी में रहने की आदत भी नहीं होती, तो बिना वजह आदत खराब करने वाली बात है शायद। अच्छा, तुम लोग की यूनिवर्सिटीज में भी तो एसी लगे होते हैं ना? क्या कहते हो, क्या लगता है तुम्हें कि ये सिर्फ जो दुनियावी तालीम हासिल कर रहे हो उनको ये सहूलत होनी चाहिए, जो दीनी तालीम हासिल कर रहे हैं मदरसे में पढ़ रहे हैं उनके लिए ये एयर कंडीशनर की सहूलत ना हो, ये कह रहे हो तुम? मामूजान, पैसे अफनान कह तो ठीक ही रहे, देखिए अगर आपको पैसे देने ही हैं तो आप किसी और काम के लिए दे दें, ये तो वैसे भी एक तरह का इजाफी खर्चा ही है, एक तरह की लग्जरी है। इजाफी खर्च और लग्जरी है तो ऐसा करो कि तुम लोग अपने कमरों से भी ऐसी उतरा दो ना, ठीक है? इसलिए कि तो इजाफी खर्चा है वो भी बच जाएगा, लग्जरी भी नहीं रहेगी क्योंकि हम हर घर में तो ऐसी नहीं लगवा सकते, ठीक है? उतरा दो अपने कमरों से ऐसी। डैड, मामू जा, डैड, डैड प्लीज बात तो सुने। क्या हो गया तुम दोनों, कर दिया ना भाईजान को नाराज, और तुम्हें क्या जरूरत पड़ी थी बीच में बोलने की, तुम तो जानते हो उनकी तबीयत। शानी, मैंने रमशा के चेहरे पे एक एतमाद देखा था, देखो तुम्हारे दोस्त को गलतफहमी हो सकती है, और अगर रमशा झूठ बोल रही होती मिसाल के तौर पे, तो फिर वो भाभी जी से क्यों कहती कि मेरे साथ चलो उसकी सहेली के घर। बिलाल को गलतफहमी हो ही नहीं सकती, उसे बहुत अच्छी तरह पहचानता है। हो सकता है तुम्हारा दोस्त रमशा को जानता हो, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि तुम अपने दोस्त को नहीं जानते। देखो शानी साहब, कुछ लड़कों की औरतों जैसी खसलत होती है लोगों के घरों में घुसकर आग लगाने की, और तुम जैसे बेवकूफ जो हैं वो उनकी बातों में आ जाते हैं। क्या हो गया अनवर, आपको कितना डांटेंगे शानी को, हंस कर दें। चलो बेटा आप खाना लगाया मैंने, चलो भूख नहीं है मुझे। नवाब साहब, तनी क्या करते हैं आप? उस लड़की के चेहरे पे एतमाद था, नहीं बोल रही झूठ। वो क्या मसला है? फिर मिलाऊंगी, करती रहूंगी कॉल। हेलो, हेलो अफनान, किधर? मैं बार बार तुम्हारी कॉल काट रहा हूँ, तो तुम कॉल क्यों करे जा रही हो? इंसान बिजी भी हो सकता है, इतनी सेंस तो होनी चाहिए ना तुम में। तो प्लीज तुम कॉल मत करना, मैं तुम्हें कॉल बैक खुद करूंगा, ओके? अफनान, हेलो, इतनी बदतमीजी, वो भी मुझसे? तुम क्या समझता है खुद को? इसके बाद आप फ्री भी हो जाएंगे ना, तब भी मुझे कॉल नहीं करना, मुझे आपसे बात ही नहीं करनी। आप तो खानी असर तो आलम मन फकीर रोज़े महशर उस राय मन पसीर
گر تمہیں بھی نہیں حساب ہم ناگزیر ہے مصطفیٰ تنہاگی ہے مصطفیٰ تنہاگی ڈیڈ میں جانتا ہوں آپ آپ بہت ناراض ہیں ہم سے لیکن میں کیا آپ کی آنکھوں میں آنسو کیوں نہیں نہیں تمہاری وجہ سے نہیں ہے میں جانتا ہوں ڈیڈ میں جانتا ہوں آپ ہماری بات سے بہت ہرٹ ہوئے لیکن آپ نے ہماری بات کو غلط سمجھا ہے ڈیڈ ہمارے کہنے کا مقصد یہ نہیں تھا ہم تو بس یہ کہنا چاہ رہے تھے کہ آپ جو کچھ کر رہے ہیں وہ بہت زیادہ ہے افنان پتہ ہے جب ہم اللہ سے کچھ مانگتے ہیں نا تو چاہتے ہیں وہ سب سے اچھا اور سب سے زیادہ دے جب اس کی راہ میں دینے کا اور خرچ کرنے کا وقت آتا ہے تو ہمیں اپنا دیا اور چھوا تھوڑا بھی زیادہ لگتا تمہیں کیا لگتا ہے کہ وہ مال جو اس نے تمہیں دیا ہے اس میں سے تم خرچ کرو گے تو وہ مال کم ہو جائے اللہ محتاج نہیں ہے تمہارا محتاج ہے اس کی رحمت کے تالے میں تو غنی ہے اگر اس نے اپنی مہربانی سے تمہیں مال سے نوازا ہے اور تمہیں دینے والوں میں سے رکھا ہے اگر وہ تمہارا شمار لینے والوں میں رکھتا تو کیا کر لیتے احسان مند ہونا چاہیے اس رب کا کس نے تمہیں مال سے نوازا اس مال کو اس کی راہ میں خرچ کر کے تم نے کیا سمجھتے ہو نالک ایک دنیا کی تجارت ہے اس کا نفع یہی مل جاتا ہے اسی دنیا اس کی راہ میں خرچ کر کے دیکھو اس سے تجارت کرو اس کا نفع دنیا میں بھی ملے گا آخرت میں بھی مانگتے ہیں نا ہر نماز ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ فی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب المیزان بڑا معاف کرنے والا بڑا معاف کرنے والا ہاں بالکل ٹھیک کہہ رہے تھی میری عیب پر I'm sorry جیتا رہو اینی کب سے ڈھونڈ رہی ہو یہاں ہو تم اینی میں تم سے بات کر رہی ہوں اینی کیا ہو گیا ہے کیوں ناراض ہو ایک تو دیکھو ویسے افنان کی وجہ سے نا میرا موڈ بہت خراب ہے اب مزید ناراض ہو کے موڈ نہ خراب کرو میرا تمہیں بھیا کے ساتھ اس طرح نہیں کرنا چاہیے تھا جھوٹ تم بول رہی تھی اور پورے گھر کے سامنے بھیا جھوٹے بندے او تو یہ بات ہے ہاں تو اپنے بھیا جان کو بولو نا کہ میرے معاملات میں ٹانگ نہ اڑایا کرے جب اس کے دوست نے اسے بتا ہی دیا تھا تو اپنا منہ بند رکھتا
बिना वजह मेरे मामला पर टांग अड़ाते और मैं कुछ भी ना बोलूं। आया ना मजा? तुम कभी अपने आप को गलत नहीं बोलती ना? मैं गलत होंगी ना तो बोल दूंगी। अब अपना मूड ठीक करो और चलो मेरे साथ टिकटॉक बनाते। चलो घर में गई तुम्हारी टिकटॉक और तुम्हारी वीडियोस। अम्मी ने कहा आज सब हैं घर में तो बिरयानी बनेगी। तुम बिरयानी का मसाला बनाओ, बाकी मैं काम कर लूंगी। चल भाई, इससे बेहतर था कि तुम मुझसे नाराज ही रहती। मैं कोई बिरयानी बिरयानी नहीं बनाने वाली। तुम्हें पता है बाकी लोगों के घर पे ना छुट्टी वाले दिन आउटिंग पे जाया जाता है, अच्छे अच्छे रेस्टोरेंट्स में खाने खाते हैं लोग, और एक हमारा घर बिरयानी बना लो, कोरमा बना लो, मजीद काम बढ़ा लो। मैं वह नहीं कर रही कोई काम। ठीक है ठीक है ठीक है, एक काम करो, बिरयानी मैं बना देती हूँ लेकिन बाकी के सारे बर्तन तुम धोगी, समझी? और चाय भी तुम ही बनाओगी। बर्तन धोगी? बिचारी, मैं तो कोई काम नहीं करने वाली। भैया कॉल नहीं करना, मुझे आपसे बात ही नहीं करनी। आप पागल, मेरे बारे में सोच रहे हो क्या? हाँ जाहिर है, तुम्हारे अलावा मेरी जिंदगी में और है ही कौन। तुम्हें तो मेरी जिंदगी का महवर। अच्छा मुझे ये बताओ कि ऑफिस की नहीं गई आज? इस तरह अफ़दान, किन ख्यालों सोचों में आप? क्या दिन है आज? पता नहीं, संडे है। ओह, अच्छा उठो फ्रेश हो जाओ, मामा ब्रेकफास्ट पे वेट कर रहे हैं। आज उन्होंने खुद तुम्हारे लिए ब्रेकफास्ट तैयार किया। मेरे लिए? हाँ। अरे वेरी गुड यार, बहुत अरसा हो गया था पप्पू के हाथ का नाश्ता खाए। पराठे बनाए ना उन्होंने? हाँ तुम्हारे फेवरेट। बस ठीक, तुम चलो, मैं फ्रेश हो गया। फ्रान को फोन करती हूँ जल्दी से, पहले निकल आ जाए। क्या है अफनान, कभी भी मेरा फोन नहीं पिक करते आप। जी भाई वैसे यार, सारे काम ये लोग मुझसे कराते, मेरे से नहीं होते भाई काम। शाम अम्मी और एनी का है। डरा ही दिया तुमने तो। मुझे नहीं पता, वो अनम बाजी है ना, उनकी सास का चेला में वहां पे गए। मैं रेस्टोरेंट में तुम नहीं थी ना? ये जाके ना तुम अपने उस दोस्त से पूछो जिसकी बात पर तुमने यकीन किया था। हाँ हाँ, वो मुझे लगता है उसे गलतफहमी हो गई थी, और मैं माफी मांगता हूँ, मुझे तुमसे पूछना चाहिए था पहले। देखो शानी, जो होना था ना सो हो गया, अब यहाँ से जाओ और मेरा दिमाग मत खाओ। ये तुम मुझसे इतना चिढ़ती क्यों? हाँ तो तुम भी तो मुझसे चढ़ के बात करते हो ना, ऐसे लगता है कुछ पुराने दुश्मन हो मेरे। और अभी देखो कितने मासूम बन गए, कितनी नरमी से बात कर, जैसे मुझे बहुत पसंद करते हो। अरे होश में आया हो या फिर सारे कपड़े तुम्हारे मुंह पे निचोड़ू? अरे कभी तो तुम थोड़ी मोहब्बत से प्यार से मुझसे बात कर लिया करो। काम ऐसे हैं तुम्हारे कि तुमसे प्यार से और मोहब्बत से बात की जाए? प्यार से बात कर लिया करो,
जाओ अब यहाँ से, खड़े हो गए हो मेरे सर पे आके। जाता हूँ, जा रहा हूँ। अरे अफनान क्या कर रहे हो, छोड़ो इसे, ही मेरा काम है, मैं करूंगी, बल्कि है ना घर में इतने सारे मुलाजिम करने वाले। अरे पप्पू क्या हो गया, अगर कभी मैं भी आपकी हेल्प कर दूं। कौन सी किताब में लिखा है कि दुनिया का कोई भी मर्द किचन में आके काम नहीं कर सकता? भाई मैं तो अपनी पप्पू की हेल्प करूंगा, बल्कि आज आपको अपने हाथों की एक नई रेसिपी खिलाऊंगा। मामा ये क्या हो रहा है? ये वो हो रहा है जो असल में आपको करना चाहिए, लेकिन क्योंकि आप तो बहुत मसरूफ होती हैं तो मैंने सोचा मैं ही अपनी पप्पू की हेल्प करा दूं। बाय द वे आप यहाँ क्या कर रही हैं? आपका तो यहाँ कोई काम ही नहीं है। तुम बना क्या रहे हो? मैं अपनी प्यारी पप्पू की हेल्प कर रहा था। क्या मदद की है तुमने, हर जगह बिखरी पड़ी है। आई एम सो सॉरी पप्पू, पैर बचा के पप्पू, आपको शीशा चुभना जाएगा। मैं अभी अभी झाड़ू लगा दूंगा, मैं सब साफ कर दूंगा, और ये सब कुछ ना तुम्हारी वजह से हुआ है, तुम्हारी मेरी वजह से। हां तो मैं यहां नहीं। अरे भाई अब लड़ाई मचाई है सारी। अफनान सर आपके मोबाइल पर किसी की कॉल आ रही है, इस मोबाइल चार्जिंग से निकाल लेंगे। किसकी कॉल आ रही है, कौन बेचा है ना तुमसे इतना बात करने के लिए? यार एक मेरे बिजनेस में क्लाइंट है। क्लाइंट? हाँ हाँ, बहुत अरसे से पीछे पड़े में इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, तंग कर दिया इन्होंने, मैं इनसे बात करके आऊँ, कर लेता हूँ। अंदर चलो मैं आ रही हूँ। तब बस तुम यहाँ आओ, ये ग्लास टूट गया उठाओ, अभी तो खाना बनाने आया था। अलीजे अब तुम भी कुछ खाना पकाना सीख लो, तुम्हें पता तो है कि वो कितना खाने पीने का शौकीन है। अच्छा ठीक है देख लूंगी। देखो ये ग्लास टूट गया, जरा उठाओ। बहुत मजे की बिरयानी है। कौन है भाई, क्या करके? शमशा खाने के वक्त फोन बंद कर दिया करो, चलो ऑफ करो इसे। जी अम्मी रख दिया। क्या हुआ? मैंने खाना खा लिया। इतनी जल्दी खा लिया, अभी तो शुरू किया था। खाने लगाने की जिद भी तुम कर रही थी, आराम से बैठ के खाओ। वो अबू जी मैंने अच्छे से खाना खाया, मेरा पेट फुल हो गया, बस अब और नहीं खा सकती। देखा जब तो इसकी सेहत ऐसी है, खाना खाती गए बिल्कुल चिड़ियों की तरह से चुकती है। मैं तो कहती हूँ भाभी आप इससे इसका मोबाइल छीन, सारा वक्त इस फोन के चक्कर में कोई खाने पीने पे ध्यान नहीं देती। अभी भी किसी सहेली का फोन आया होगा, उस चक्कर में ये देखें खाने छोड़ दिए। हाँ सलमा बिल्कुल ठीक कह रही हो तुम, तो ये जो मोबाइल है ना ये अजाब है, अजाब अजाब है। अरे ये लो ना देख। अली से कहीं जा रही हो क्या? जी मामा वो अफनान के साथ डिनर पर जा रही हूँ, आप चलेंगे? नहीं नहीं तुम लोग जाओ, एंजॉय करो, वैसे भी तुम दोनों साथ में बहुत प्यारे लगते हो। मैं सोच रही थी अलीजे कि भाईजान से बात करूं। किस बारे में? तुम्हारी और अफनान की इंगेजमेंट की। अब मेरा ख्याल से हो जानी चाहिए ना इंगेजमेंट। हाँ मामा वो आपको पता तो है कि मैंने अभी न्यू जॉब ज्वाइन की है, तो मैं अभी थोड़ी बिजी हूँ, कुछ वक्त दे दें मुझे। मैंने इंगेजमेंट की बात की है, शादी की नहीं, बिला वजह मुझसे इस तरह की बातें मत करो। मामा आपको जल्दी क्या है, अफनान और मैं एक ही घर में तो रहते हैं, और मैं कौन सा भाग रही हूँ, बस कुछ वक्त ही मांग रही हूँ आपसे। मैं चाहती हूँ कि पहले मैं स्ट्रांग हो जाऊँ, अपना करियर बना लूँ, और मुझे यकीन है आप मामू जान से अभी जाके इंगेजमेंट की बात करेंगी ना, वो अगले ही दिन से मेरे पीछे पड़ जाएंगे कि तैयारियाँ शुरू करो। सारी तैयारियाँ कपड़े वगैरह शॉपिंग मुझे ही करनी पड़ेगी ना, इसलिए मामा प्लीज़ अभी कोई बात मत कीजिएगा। तुमसे बात करना फजूल है।
अलीजे हो गई डिनर? बस दो मिनट दे दो। अरे अलीजे क्या हो गया यार, मतलब हम डिनर पे जा रहे हैं, कोई हनीमून पर नहीं जो इतना तैयार हो रही हो? मुझे भी पता है कि हम कोई हनीमून पर नहीं जा रहे, डिनर पर जा रहे हैं। हनीमून की तैयारी तुम्हें अलग से पता चलेगी, शादी के बाद देखना तुम। रियली? क्या तैयारियां करोगी? सब अभी बता दे। हाँ, बताओ ना। वैसे तुमने क्या सोचा है फिर? अब लेट नहीं हो रहा? हाँ, चलो 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 आओ।